गाल पे मारी और क्या बोली, चोरी करती मम्मी? मम्मी कैंडी चुरा लेती है। अच्छा अम्मी ने तेरी कैंडी चोरी की। और क्या चुराया? और क्या की मम्मी ने, अम्मी ने चॉकलेट भी चुराई। अम्मी नाम है? अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? पूरा नाम बताओ, पूरा नाम। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सामने आई। दरअसल थाने में एक 3 साल का बच्चा पहुंचा, उसने कहा कि जो चॉकलेट और कैंडी मैं रखता हूं वो मेरी मम्मी चुरा लेती है, उन्हें जेल में डाल दो। इस बात को सुनकर सब हंस दिए, लेकिन क्योंकि जब कोई भी फरियादी थाने पहुंचता है उसकी शिकायत लिखकर उसका निराकरण किया जाता है, इस बात का एहसास कराने के लिए कि मध्य प्रदेश पुलिस न्याय करती है और पीड़ित लोगों की मदद करती है, उस बच्चे का बाकायदा पुलिस अधिकारी ने आवेदन भी लिखा। आपको बता दें कि यह बेहद रोचक मामला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में सामने आया है। बुरहानपुर के डेढ़ तलाई पुलिस चौकी में एक 3 साल का मासूम बच्चा अपनी माँ की शिकायत करने पहुंच गया। दरअसल 3 साल के बेटे को नहला धुला कर माँ ने नज़र से बचाने के लिए काजल का टीका लगाना चाहा। बेटा इससे ना नकुर करने लगा, इस पर माँ ने उसे प्यार से गाल पर मार दिया। पर यह बात बेटे को इतनी नागवार गुजरी और उसे इतना गुस्सा आया कि वह माँ की शिकायत करने पुलिस चौकी पहुंच गया। बच्चे ने पुलिस से कहा, मम्मी मेरी कैंडी और चॉकलेट चुरा लेती है, उन्हें जेल में डाल दो। इस तरीके से जब बच्चे की बात पुलिस ने सुनी तो वह हंस भी दी और बच्चे की मासूमियत पर उन्हें बहुत प्यार भी आया। लेकिन मासूम बच्चे की यह शिकायत सुनकर पुलिस चौकी प्रभारी ने कागज उठाकर बच्चे की दिखावटी शिकायत भी लिखनी शुरू कर दी। इस पर बच्चे को हस्ताक्षर करने को कहा, उसने भी पेन थाम कर कागज पर आड़ी तिरछी लकीरें उकेर दी और यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हो रहा है। बुरहानपुर के डेढ़ तलाई में रविवार सुबह मां ने 3 साल के बेटे को तैयार कर काजल का टीका नहीं जब लगाना चाहा तो बच्चे ने उसे नहीं लगवाया और उसे प्यार से लगाई गई चपत से वह नाराज हो गया था। आपको बता दें चौकी प्रभारी SI प्रियंका नायक बच्चे की बात सुनकर अपनी हंसी भी नहीं रोक पाई और उसकी मासूमियत पर उसे गले भी लगा लिया, उसे प्यार से किस भी की। उन्होंने भी उसका मन रखने के लिए कागज पेन उठाया और शिकायत लिखने बैठ गई। बच्चा मम्मी द्वारा कैंडी चॉकलेट चुराने की बात कहता रहा और वहां मौजूद सभी लोग इस बात को सुनकर हंसते रहे। आखिर SI प्रियंका ने मम्मी को जेल भेजने की बात को कहकर बड़ी मुश्किल से उसे घर भिजवाया। अब यह बच्चा इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब छाया हुआ है और ये कहानी हर घर की है। बच्चों को माँ बाप जब कुछ भी बोलते हैं तो बच्चे बड़े ही मासूमियत से नौटंकी भी करते हैं, लेकिन माँ बाप का प्यार बच्चों के लिए खूब होता है। इन दिनों दिवाली है, हो सकता है मम्मी पापा ने पटाखे नहीं दिलवाए, इस बात की शिकायत को लेकर बच्चे थाने पहुँचने लगे। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते LED TV, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC एवं मोबाइल पर अधिकतम डिस्काउंट के साथ साथ सबसे कम प्राइस पर प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। इसके अलावा संस्था पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप यहां एक बार जरूर विजिट करें, अम्बेडकर चौराहा खंडवा।